प्यारे दर्शकगण, इस धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। होली त्योहार के अवसर पर एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं। होलिका, जैसे क्या हम सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु की बहन, जिनको वरदान था कि अग्नि में वे नहीं जलती है, तो भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाकर अग्नि में प्रवेश करती है और खुद भस्म हो जाती है। उसी दहन को पर्व के रूप में होलिका दहन मनाते हैं। चलिए आपको लालमाटी के वैश्य भवन में ले चलते हैं, जहाँ पे होलिका दहन का आयोजन हुआ है फेडरेशन ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस मॉरिशस द्वारा। इस कार्यक्रम का एक अंश आपको दिखाते हैं। ज्ञानम पाठम होमम तथा अन्य पूजनम शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति अमृतम यश मृत्यो कस्मै देव यः विशामि देवा ॐ यः प्राणतो निनिषतो सर्वगणगुम्म स्वस्तये आत्मसनि प्रजा
शानि पशु शानि लोका संज्ञा भय शानि अग्नि प्रजां बहुलां करो त्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता ओं स्वस्ते न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ते न भूषा विश्ववेदाः मॉरिशस देश जितना सुंदर है, यहाँ के लोग, यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज भी उतना ही सुंदर है। और हमारे देश में अभी COVID-19 की पहल है, और इसके बावजूद हम अपने दुख सुख को संजोए हुए हैं। और होली जैसा त्यौहार को हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नहीं मना सकते, होली मनाना चाहिए। और हमारे देश में जो टूरिज़्म है उसकी सुंदरता इसी से है कि हम होली मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, और न जाने कितने हमारे भाई बहन लोग हैं अपने अपने धर्म के अनुसार वो लोग अपने पर्व त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए आज यहाँ होलिका दहन के अवसर पर लाल माटी में हम लोगों ने यहाँ की सभाओं जनता के साथ मिलकर के होलिका दहन का आयोजन किया है। और होलिका दहन तो आज होगी, रात्रि है, पर कल होली मेला लगेगा, यहाँ लोग रंग खिलेंगे। हमने इस बार ऐसा एक कोशिश की है कि इनोवेशन जिसे बोलते हैं, नयापन लाया है। हमने बोला कि देखिए, जो सभा है, सोसाइटी है, क्लब है, जेनेस हैं, सब लोग एक बड़ा सा लेकर डालें, प्रोजेक्टर डालें, एक लैपटॉप डालें, और जो हिंदी फिल्मों के होली के गीत हैं उसमें डाल करके रंग खेलें। आज शायद संगीतकारों को जुटाने का हमें कठिनाई होती है, जो ढोलक बजाते हैं, चौताल गाते हैं, धमाल करते हैं, गीत गाते हैं, कविता सुनाते हैं, इन लोगों को जुटाने में कुछ मुश्किल हो जाती है। तो ये सारा कुछ हम इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, यही हमारी कोशिश है। और मुझे खुशी है कि मॉरिशस के लगभग 20 जगह पर हमने जो आग सुलगाई होली मनाने के लिए, लोग मना रहे हैं, होलिका दहन मना रहे हैं। होली खुशियों का त्यौहार है, और फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसके पीछे एक गुड़ बात है। गुड़ क्या बात है? पुराणों में कहा गया है, कहानी है कि राजा हिरण्यकश्यप जितने होशियार थे, जितने बड़े पंडित थे, उतने ही घमंडी हो गए थे, और उनके बेटे ने उन्हें सुधारने की कोशिश की, कहा कि पापा ये ठीक नहीं है, आप घमंड से जी रहे हैं। और उनके पिताजी राजा स्वयं को भगवान मानने लगे। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब अपने बच्चे को ही मारना चाहिए, क्योंकि ये मुझे भगवान की तरह नहीं मानता है। तो उन्होंने सोचा कि उनकी जो बहन थी होलिका, उसे गोद में लेकर के होलिका प्रहलाद को बैठ जाएगी, और फिर आग जला देंगे और आग में दहन हो जाएगा, प्रहलाद जल जाएगा, और होलिका वापस अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर करेगी। राजा का ये सपना जो है चूर चूर हो गया, टूट गया, क्योंकि उसी समय विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में वहाँ पर आए। और हम इस होली त्यौहार को इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन भगवान प्रकट हुए थे, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश भगवान की पूजा, विष्णु जी की पूजा हम यहाँ करके अपने गांव में, अपने देश में, अपनी दुनिया में हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज देखिए, होली हम मना रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, खुदगर्ज नहीं है हम लोग। हम चाहते हैं कि जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो महामारी है कोविड की, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं, जहाँ सुनामी भी आ रहा है, तो वो सभी भगवान हमें आशीर्वाद दें और हमारे देश को और दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना दे, यही होली का संदेश है। सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्यतः
स्वस्त्ये स्वस्तेना इन्द्रो वृषश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारयक्षो हरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृथदशवामरुतः वृष्णिमातरः शुभै जवानो वेदधेखु जगमयः अग्निजिह्वामनवः सूर चक्षसो विश्वेणो देवा अवसागमन् निहा भजरं करणेभिः श्रेणुयाम देहा भगवान के महाराज के।